Hello students, my name is Mahak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the anti-cancer drug. ठीक है, तो ये टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मेसी का फिफ्थ सेमेस्टर का, राइट? सो जैसे कि आप जानते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होते हैं, कि वो ड्रग्स जो हम यूज करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है? द ड्रग्स विच वी आर यूज टू ट्रीट द कैंसर आर नोन एज द एंटी कैंसर ड्रग्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर क्या होता है, ठीक है? जैसे कि आप सब अब जानते हैं कि कैंसर क्या होता है, ठीक है? ये एक डिसीज होती है जिसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होती रहती है, ठीक है? इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता डिवीजन पर, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब कोई कैंसर होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जिस पर्टिकुलर जगह पर कैंसर हुआ होता है, ठीक है, उस जगह पर क्या होता है कि जो उसमें सेल्स होते हैं वो अपने आप में मल्टीप्लीकेशन करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो इट इज डिफाइंड एज इट इज अ डिसीज which is characterized by the uncontrolled proliferation of the cell division, means कि इसमें क्या होती है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती रहती है सेल्स की, ठीक है? जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो खुद ही मल्टीप्लीकेट होते रहते हैं, ठीक है? आप जानते हैं कि कैंसर कितनी तरह के होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स कैंसर, WBC कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, देर आर सो मेनी कैंसर्स, राइट? सो एंटी कैंसर ड्रग्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? अल्काइलेटिंग एजेंट्स को हम यूज करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, राइट? उसके बाद सबसे पहले ये कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, ठीक है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जब से पहले हमने ड्रग्स लिया, हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स लिए, राइट, वो क्या करेंगे, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है? आपने याद रखना है कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, ठीक है? आयनिक बॉन्ड और द कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने अल्काइलेटिंग एजेंट ड्रग्स लिए, वो क्या करेंगे, जहां पर कैंसर है उस जगह पर जाकर वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे सेल के साथ, ठीक है? कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, कार्बोनियम आयन बन जाएंगे, ठीक है? कार्बोनियम आयन क्या है, ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ठीक है? ये क्या है, इंटरमीडिएट है। कार्बोनियम आयन बन गया, हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बोनियम आयन बना है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो कार्बोनियम आयन किससे बना है, अल्काइलेटिंग एजेंट से बना है, तो ये कार्बोनियम आयन इन अल्काइलेटिंग एजेंट्स को, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक साइट पर ट्रांसफर करेगा। न्यूक्लियोफिलिक साइट आप जानते हैं, लाइक हमारे डीएनए बेस पेयर्स, लाइक एडेनिन, थायमिन, गैडिन, साइटोसिन, ठीक है, इन बेस पेयर पर ही जाकर ट्रांसफर कर देगा अल्काइलेटिंग एजेंट्स को, ठीक है, जहां पर कैंसर हुआ है, ठीक है? मेनली कौन सी पोजीशन पर करेगा, L7 पोजीशन ऑफ द गियोनाइन। ये आपने याद रखना है, ये आपको जी पैंट में भी आ सकता है कि कौन सी पोजीशन पर जाकर अल्काइलेटिंग एजेंट्स अटैच होते हैं, कौन सी पोजीशन पर होते हैं, मेनली एट L7 पोजीशन ऑफ द गियोनाइन। क्या होगा, जब अल्काइलेटिंग एजेंट्स N7 पोजीशन ऑफ गियोनाइन ऑफ द डीएनए बेस पेयर पर जाकर ये अटैच हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, डिक्रीज द सेल प्रोलिफरेशन। ऑब्वियसली ये जो अनकंट्रोल्ड डिविजन्स हो रही है सेल की, उसे क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है? सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ द अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगी ड्रग्स कौन से हम यूज करते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर, जो कि कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। आपको बताऊंगी साइक्लोफोस्फोअमाइड का स्ट्रक्चर, राइट? सबसे पहले आपने याद रखना है यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है? नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर CH2 क्लोराइड ग्रुप, यहाँ पर भी सेम ग्रुप लगना है, ठीक है? CH2 CH2 Cl, ठीक है? आपने इतना याद रख लेना है, मैं आपको इजीली बता रही हूँ स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखना है, ठीक है? सबसे पहले आपने साइक्लोफोस्फोअमाइड में याद रखना, एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है? नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है? CH2 CH2 Cl, यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, CH2 CH2 Cl, राइट? उसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पर एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग आती है, ठीक है? दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच कंटेन द ऑक्सीजन NH and phosphor, ठीक है?
स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोफॉस्फोअमाइड। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये भूल जाइए आप, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ इथाइल क्लोराइड ग्रुप अटैच है, CH2CH2Cl। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग अटैच है, ठीक है। इसमें क्या है, आपने ऐसे याद रखना है, दिस विल कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है, आप ऐसे नाम देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट, 5 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन अटैच है और 6 पोजीशन पर फॉस्फोर के साथ कीटोन ग्रुप अटैच है, राइट। ये क्या है, स्ट्रक्चर है साइक्लोफॉस्फोअमाइड का, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें यूज करते हैं एंटी कैंसर ड्रग में, ठीक है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द साइक्लोफॉस्फोअमाइड, इसके एडवर्स इफेक्ट फर्स्ट इज द हेयर लॉस। आपको पता है कि जब भी किसी को भी कैंसर हो जाते हैं तो हेयर लॉस, उनके जो बाल है वो लॉस होने शुरू हो जाते हैं, राइट। सेकेंड इफेक्ट इज द स्टरिलिटी, राइट, जिन्हें भी वो होते हैं कैंसर उनमें स्टरिलिटी आ जाती है, ठीक है, दैट द कोई भी अगर मेल है या फीमेल है वो एग और स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। थर्ड इफेक्ट इज द सुप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सुप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द साइक्लोफॉस्फोअमाइड एंड दीज आर द स्ट्रक्चर। अब आपको याद रहेगा कि साइक्लोफॉस्फोअमाइड का स्ट्रक्चर क्या है, राइट, तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मीक्लोरोथमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकंड ड्रग इज द मीक्लोरिथमीन, ठीक है, ये भी ड्रग है जो हम यूज करते हैं टू ट्रीट द कैंसर, ठीक है। हम किन किन सिचुएशन में मीक्लोरोथमीन यूज करते हैं, जब किसी पर्सन को क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया हो, मीन्स की कैंसर ऑफ द WBC, या लिम्फोसारकोमा मतलब कैंसर ऑफ द लिम्फ्स, राइट, उसमें हम मीक्लोरिथमीन एज अ अल्कलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, राइट। मीक्लोरिथमीन कैसे बनता, हाउ इट विल सिंथेसाइज, राइट, सबसे पहले हम लेते हैं इथिलीन ऑक्साइड, 2 moles ऑफ इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आपने याद रखना है कि एक ट्रायंगल शेप होती है, राइट, इट इज इन द शेप ऑफ द ट्रायंगल विच कंटेन द ऑक्सीजन, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड इट इज अ ट्रायंगल शेप विच कंटेन द ऑक्सीजन। व्हेन इथिलीन ऑक्साइड, जब हमने इथिलीन ऑक्साइड को CH3NH2 से रिएक्ट कराया, ठीक है, इसने क्या बना दिया, CH3, आप याद है साइक्लोफॉस्फोअमाइड का स्ट्रक्चर, आप इसे मिथाइल ग्रुप को रहने दीजिए, ठीक है, एंड CH2CH2OH, राइट, यहाँ पर क्लोराइड था उसमें, अभी यहाँ पर क्या है OH, इसने क्या बना दिया, जब हमने इसे मिथाइल अमीन से रिएक्ट करवाया, इसने इंटरमीडिएट बना दिया, दिस इज द इंटरमीडिएट, राइट। इंटरमीडिएट को जब हमने SOCl2 मीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये रिप्लेस्ड हो जाएगा क्लोराइड से, ठीक है, तो क्लोराइड हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाएगा। रेस्ट फॉर्मूला आर द सेम जो पीछे हमने साइक्लोफॉस्फोअमाइड में किया था, एंड CH2CH2Cl यहाँ पर भी सेम ग्रुप CH2CH2Cl इथाइल क्लोराइड, और यहाँ हेटेरोसाइक्लिक रिंग की जगह क्या है CH3, दैट इज द इथाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ मीक्लोरोथमीन। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर पूछ ले मीक्लोरोथमीन का, तो वो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट ड्रग इज द मेलफैलन और क्लोरोएम्ब्यूसिल, राइट। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने दो इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि दोनों ही बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको समझने में भी इजी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक अगर आपको एग्जाम्स में आ जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेलफैलन, देयर स्ट्रक्चर, देयर यूजेस एंड देयर इफेक्ट्स, राइट, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी ड्रग्स का जो अल्कलेटिंग एजेंट्स के अंदर आते हैं सभी ड्रग्स का सेम है,
कि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद वो इंटरमीडिएट आयन कार्बोनियम आयन फॉर्म करते कार्बोनियम आयन क्या करते हैं, वो अल्केलेटिंग ग्रुप्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं टू द न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट्स? बेसिकली N7 पोजीशन होता है ग्वानिन ऑफ द डीएनए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही सेल की वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेलफेलम और क्लोरामब्यूसल, ये भी दो ड्रग्स है। सबसे पहले हमने साइक्लोफोस्फामाइड, उसके बाद मेटफोर्मिन, नेक्स्ट इज द मेलफेलम एंड क्लोरामब्यूसल। मेलफेलम और क्लोरामब्यूसल में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है कि इसमें बेंजीन रिंग, ठीक है। आप जानते हैं 6-membered रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज द बेंजीन। बेंजीन दोनों में कॉमन है। सबसे पहले अगर आपको मेलफेलम और क्लोरामब्यूसल का स्ट्रक्चर आ गया, राइट, सबसे पहले आपने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली। देखिए आपने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली, आप इसे नेम दे सकते हैं लाइक 1, 2, मैंने यहाँ से नेम दिया 4, 5, 6, 6-member structure है। मैंने जैसे आपको समझाने के लिए नेमिंग दी है, राइट। इस यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट। दोनों में बेंजीन रिंग कॉमन आ गई, सबसे पहले आपने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ करने के बाद एट सेकेंड पोजिशन पर कितने कार्बन से, ये जो मैंने लाइंस ऐसे माउंटेन्स ड्रॉ किए ना, ये कार्बन होते हैं एक्चुअली। आप जानते हो बिकॉज यू आर, आप अभी बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है, 5th semester में बीफार्मेसी के। सो 1, 2, 3, ठीक है, तो ये कितने कार्बन से, टोटल 3 कार्बन से, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप लगा है, थर्ड कार्बन के साथ यहाँ पर कीटोन ग्रुप अटैच है, ठीक है, और उसके साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा, आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखना कि यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर 3 कार्बन है, ठीक है। सेकेंड कार्बन, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेकेंड पोजिशन पर मैंने 2 माउंटेन्स ड्रॉ किए, ठीक है। 2 माउंटेन्स में से जो सेकेंड यहाँ पर नंबरिंग दे दीजिएगा, सेकेंड नंबर पर मैंने क्या लगाया, हमने क्या लगाया NH2 अमाइन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद थर्ड कार्बन पर कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, ठीक है। यहाँ पर भी ऑपोजिट है, यहाँ पर हमने सेकेंड नंबर पर माउंटेन्स कार्बन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड पोजीशन पर ड्रॉ किए, ठीक है, सेम 1, 2, 3 and 4, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ जो 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, राइट। पहले बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली, फिर आपने माउंटेन्स ड्रॉ कर लिए, माउंटेन्स के यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर कार्बन के NH2 ड्रॉ कर लिया, कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। ये सारा पोर्शन आपने यहाँ पर भी सेम लिखना है, बस यहाँ पर आपने अमाइन ग्रुप हटा देना, रेस्ट इज सेम, बाकी सारा सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5th पोजीशन पर आपको याद है मीक्लोरेथमीन, मैंने मीक्लोरेथमीन और साइक्लोफॉस्फामाइड मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ CH2CH2Cl, राइट, क्लोराइड था। तो ये ग्रुप ये सेम है, ठीक है, एंड CH2CH2Cl, CH2, ये देखिए 1, 2, 1, 2, ठीक है। ये ग्रुप यहाँ पर 5th पोजीशन पर है, यहाँ पर 6th पोजीशन पे, ठीक है। रेस्ट इज सेम, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। पहले आपने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद मेलफेलम में सेकेंड पोजीशन पर आपने माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर NH2 ग्रुप और हाइड्रोक्सिल, और आप कह सकते हैं कि दिस आर द कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। यहाँ पर भी सेम है, फर्स्ट बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली, सेम, बस यहाँ पर NH2 ग्रुप आपने हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5th पोजीशन पर ये ग्रुप अटैच कर दिया हमने, यहाँ पर हमने 6th पोजीशन पर ये ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। रेस्ट आर द सेम, राइट। मेलफेलम का डोज हम कितना देते हैं पेशेंट को, 6 mg, राइट, और इसका डोज होता है 100 to 200 mg पर डे, राइट।
uses are same. These are used to treat the lymphosarcoma, blood cancer, right? Uses are the same. अब मैं आपको बताऊंगी द फिफ्थ ड्रग इज द थायोटेपा, सिक्स्थ इज द अल्काइल सल्फोनेट, राइट, जिसे हम बजरफैन भी कहते हैं, ठीक है. सो थायोटेपा भी एज अ अल्कलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं टू ट्रीट द कैंसर. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है, ठीक है, फॉस्फेट. मैं आपको समझाती हूँ, सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है, फॉस्फेट, ठीक है. फॉस्फेट के साथ डबल बॉन्ड, उसके साथ क्या अटैच है, सल्फर, राइट. फॉस्फोरस के साथ अटैच है सल्फर बाय द डबल बॉन्ड लिंकेज, ठीक है. फॉस्फोरस के साथ आपने एक रिंग याद रखनी है, ठीक है. मैं आपको इजी तरीके बताता हूँ जैसे मैंने याद रखे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में याद रहे. इट ट्रायंगल रिंग कंटेन द नाइट्रोजन, राइट, ऐसे आप याद रखें, नाइट्रोजन इट कंटेन दिस रिंग, राइट. बस फिर सभी जगह पर आपने नाइट्रोजन के साथ ये रिंग अटैच कर देनी, थ्री रिंग मींस इट कंटेन ट्रायंगल विद द नाइट्रोजन, ठीक है. फॉस्फोरस डबल बॉन्ड सल्फर देन कंटेन द ट्रायंगल रिंग विद द नाइट्रोजन, ठीक है. रेस्ट आपने ये रिंग ड्रॉ कर देनी है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थायोटेपा. थायोटेपा को बेसिकली हम कौन से कैंसर में यूज करते हैं, इसे हम ओवेरियन कैंसर, राइट, कैंसर ऑफ द ओवेरीज, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम थायोटेपा यूज करते हैं, ठीक है. सिक्स्थ ड्रग इज द अल्काइल सल्फोनेट, जिसे हम बिजलफैन भी कहते हैं, ठीक है. ये स्ट्रक्चर बहुत ही सेम है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल CH3 SO2 सल्फेट, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सेम आ गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फेट ग्रुप सल्फेट ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच, ठीक है. बस बीच में अपने मेन याद रखना है, बीच में कौन सी मॉइटी लगी है, ठीक है, दैट इज द CH2 4, मींस की CH2 ग्रुप 4 टाइम्स है, ठीक है, इसलिए मैंने कंबाइन करके लिख दिया CH2 ब्रैकेट क्लोज 4. रेस्ट स्ट्रक्चर सेम, दिस इज अ वेरी इजी स्ट्रक्चर, आई नो, अल्काइल सल्फोनेट, राइट, CH3 SO2 O, फिर यहाँ पर रिपीटेडली ये सारा स्ट्रक्चर आपने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है, O SO2 CH3 बीच में CH2 bracket closed 4 times, right? This is the structure of alkyl sulfonate. और alkyl sulfonate हम basically leukemia को treat करने, that is a cancer of the RWBC, right? उसे हम treat करने के लिए use करते हैं, ठीक है. So these are the alkylating agent, basically alkylating agents. Classification of alkylating agents of 6 type. First drug is cyclophosphamide. Second is meclarothamine. Third and fourth is chlorambucil or melphalan. Fifth is the thiotepa and sixth one is the alkyl sulfonate. These are the 6 basic drugs which we used in alkylating agents to treat the cancer, right? So, ये था alkylating agents, right? Next class में मैं आपको कराऊंगी anti-metabolites. These are also used to treat the cancer, right? So, students, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा. थैंक यू.